मेरी सेवकाई के शुरू के दिनों में मैं यूपी में लखनऊ के एक गांव में सेवा करता था। सेवा में बिल्कुल नया था। मुझे किसी ने एक कमरा फ्री में रहने के लिए दिया हुआ था। उस कमरे के ऊपर लोहे की टीन पड़ी हुई थी और लोहे की टीन भी पुरानी थी और उसमें बहुत सारे छेद थे। जब उसने मुझे दिया, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे यहाँ रहने के लिए दिया। और मुझे ये पता नहीं था जो इस टीन में छेद हैं, जब बारिश होगी तो बारिश अंदर भी पड़ेगी। लेकिन मैं खुश था कि मुझे रहने के लिए मिला। और एक रात, दिसंबर की सर्दियों की रात है, भयानक बारिश पड़ी। और जब भयानक बारिश पड़ी, कोई रात के 2 बजे हुए थे और मैं रजाई ओढ़कर गहरी नींद में सोया हुआ था। और अचानक जब मुझे रजाई पर लगा कुछ गिर रहा है, टप टप टप, और मोटी मोटी छेद भी मोटे मोटे थे, उसमें पानी पड़ा। मैं एकदम उठा और मैंने देखा कि ऊपर से पानी आ रहा है। छेद जगह जगह थे और रजाई ना भीग जाए, मैंने तुरंत रजाई को उतारा, फटाफट इकट्ठा किया। वहां पर एक मेज कोने में रखी थी छोटी सी, रजाई को इकट्ठा करके मेज के ऊपर रखा, बिस्तर को रखा, और मैं बाहर आया। बाहर आकर मैंने देखा बड़ी ठंड है और बरसात बड़ी तेजी से है। बाहर इसलिए आया कि कमरे में अंदर खड़ा होने की भी जगह नहीं, जहां खड़ा हो जाऊं वहीं पानी टपक रहा था। मैं बाहर आया, देखा यहां थोड़ा सा खड़ा होने की जगह है, कमरे के आगे थोड़ा छत जैसा था, वहां खड़ा हुआ। बड़ी ठंड है, बहुत तेज बारिश है, सर्दियों की रात, 2 बजे उठा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कुड़कुड़ाया नहीं, मैंने बाहर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। हालेलुया! मैं रोया नहीं, मैं कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था मेरा प्रभु जिंदा प्रभु है। और मैं सर्दियों की रात में, बरसात की उस रात में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। जब तक बारिश नहीं रुकी, मैं बाहर खड़ा होकर प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और प्रार्थना करता रहा। और जब बारिश रुकी, अंदर गया, बिस्तर बिछाया, सो गया, ऐसे जैसे कुछ होया ही नहीं। हालेलुया! आज मैं सोचता हूं, मैं कैसा था, मैं कैसा हूं, ऐसी स्थिति में भी मैं कितना खुश था और अपने प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। सच में मेरी खुशी का कारण यह था कि मेरा प्रभु मरा हुआ नहीं, मेरा प्रभु जीवित प्रभु है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस स्थिति में मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। आज मैं चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 38 वेस्ट में बढ़िया फ्लैट में रहता हूँ। 35,000 रुपया उसका किराया देता हूँ। आमीन! शानदार मकान में रहता हूँ। हालेलुया! और चंडीगढ़ में भी एक से एक मकान में रहा हूँ, और जब हरियाणा में रहता था तब भी एक से एक मकान में मैं रहा। आमीन! क्योंकि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया! हालेलुया! मैं सोचता हूँ मेरा विश्वास मेरे आशीष का कारण है। मैं सोचता हूँ उस रात जो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, वो धन्यवाद देना मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आया, इसीलिए मैं आज बहुत आशीषित हूँ। आमीन! आमीन! आपका विश्वास जिंदा हो, क्योंकि आपका प्रभु जिंदा है। हालेलुया!
यदि आप परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, यदि आप एक आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, आप हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो हालतें बदलती चली जाएंगी, वो गरीबी चली जाएगी जिस गरीबी में रहकर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो बीमारी चली जाएगी जिस बीमारी में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो लाचारी चली जाएगी जिस लाचारी में जीकर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मरियम चाहती तो कब्र के भीतर बैठकर घुटनों पड़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करती कि प्रभु तू मरा नहीं, तू जिंदा है, प्रभु तू कब्र में नहीं कब्र से बाहर है। हालेलुया। लोग रोते हैं, रोने का मतलब प्रभु को मुर्दा समझते हैं, लेकिन जो जीवित समझते हैं वो रोते नहीं हैं, वो विश्वास के साथ धन्यवाद।